ओम नमस्ते जी। आज की वीडियो में हम लोग ऋग्वेद के फेमस सूक्त पुरुष सूक्त के छठे और सातवें मंत्रों के अर्थों का चिंतन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस सूक्त में जाना कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है और वो इस ब्रह्मांड में कैसे निवास करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ईश्वर है वो एक यज्ञ करता है, उसके साथ देवता लोग भी हवन कर रहे हैं। परमात्मा प्रजापति है, उसने जो है इस सृष्टि को बना के एक प्रकार से हवन किया हुआ है और जो मंत्रोच्चारण है उसका वो वेद हैं, अर्थात वेद रूपी मंत्रों को परमात्मा ने सृष्टि बनाते हुए हम लोगों को दिया है। उन्हीं मंत्रों से जो है देवता भी हवन करते हैं और हम लोग भी प्रतीक रूप में जब हवन करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मंत्र देखते हैं। यत् पुरुषेन हविषा देवा यज्ञम अतन्वत वसंतो अस्य आसीद आज्यम ग्रीष्म इदम शरद हवि। पदपाठ है यत् पुरुषेन हविषा देवा यज्ञम अतन्वत वसंतः अस्य आसीद आज्यम ग्रीष्मः इदमः शरद हवि। इन पदों के अर्थों को देखेंगे। यत् जब पुरुषेन परमात्मा के साथ हविषा ग्रहण करने योग्य देवा जो दिव्य पदार्थ हैं अग्नि वायु सूर्य आदि यज्ञम अतन्वत यज्ञ को करते हैं। वसंता अस्य आसीत आज्यम तब जो वसंत ऋतु है वो उस यज्ञ में घी के समान होता है। ग्रीष्म ग्रीष्मा इदमा ग्रीष्म ऋतु जो है ईंधन के समान है और शरद हवि सर्दी जो है वो आहुति है। अर्थात ये ऋतुएं जो हैं जब ये देव लोग जो है हवन करते हैं तो इन ऋतुओं का प्रयोग करते हैं और उससे विभिन्न पदार्थों की जो है सृष्टि में संसार में जगत में उत्पत्ति होती है, वो इस हवन का फल स्वरूप होते हैं। हर ऋतु में कुछ ना कुछ पदार्थों की उत्पत्ति होती है, वो जो है यज्ञ के फलस्वरूप हैं। अब हम लोग अगले मंत्र पर बढ़ते हैं। अगला मंत्र है तम यज्ञम बर्हिषि रोचन पुरुषम जातम अग्रता तेन देवा अयजंत साध्या ऋषियश ये। पदपाठ है तम यज्ञम बर्हिषि प्रा ओच्छन पुरुषम जातम अग्रता तेन देवा अयजंत साध्या ऋषियः च ये। इन पदों के अर्थों को देखेंगे। तम अर्थात उस यज्ञम यज्ञ को उस यज्ञ को बर्हिषि अंतरिक्ष में प्रोच्छन सींचते हैं धारण करते हैं। देव जैसे अंतरिक्ष में जो है यज्ञ को सींचते हैं अर्थात यज्ञ को करते हैं धारण करते हैं, ऐसे ही मनुष्यों को अपने हृदय काश में अपने मन में मानस यज्ञ करते रहना चाहिए। आगे देखते हैं पुरुषम जातम अग्रता परमात्मा को जातम अग्रता श्रेष्ठ के पूर्व प्रसिद्ध हुआ था, श्रेष्ठ के पूर्व जो परमात्मा था है और रहेगा। तेन देवा अयजंत उसके वेद से देव उसका पूजन करते हैं, अर्थात उस परमात्मा की जो ये देव पदार्थ हैं अंतरिक्ष में जब सृष्टि बनी तो उसके साथ साथ वेद मंत्र भी उत्पन्न हुए, उन वेद मंत्रों से यज्ञ के माध्यम से देव जो हैं परमात्मा का पूजन करते हैं। साध्या ऋषिया चाहिए और योग्याभ्यास व मंत्र को जानने वाले ऋषि लोग भी जो है परमात्मा का ध्यान करते हैं। अंतरिक्ष को देखकर हम लोग उसी हिसाब से अपने हृदय काश में परमात्मा की पूजा करें। ओम नमस्ते जी।